वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। लेकिन इंदौर बड़ा सकारात्मक है, तो क्या ये इंतजार करें कि शाम को जब आएगा तो सकारात्मक ही होगा? मैं तो अखाड़े का पहलवान हूँ ये मान के चलता हूँ, सामने वाला हो तो मैं अपने दाव बताऊंगा, है ही नहीं तो इसलिए मुसीबत आ रही है। मैदान ही छोड़ गया सामने वाला तो इसी में जो, लेकिन फिर भी जो अभी तक की रिपोर्ट आ रही है, इंदौर सबसे ज्यादा अच्छे मतों से जीतने वाली सीट में से रहेगा। सर उज्जैन में नवाचार किए गए, बहुत सारे आपका गृह क्षेत्र, बहुत सारी चीजें नई नई देखने को मिली है। मैं पूरे प्रदेश में नवाचार हुए, अकेले उज्जैन में नहीं हुए और अलग अलग प्रकार से किए गए, जैसे यहाँ भी हुआ वहाँ भी हुआ। मतदान केंद्र पे मत प्रतिशत बढ़ाने के आधार पर लॉटरी निकालना, ये भी नवाचार निर्वाचन आयोग का, कि भाई ऐसा जो वोट ज़्यादा डालने आएंगे पहले आएंगे, ये हमारे लिए वास्तव में आप देखो एक तरह से पूरे देश का राज्य निर्वाचन के आंकड़े ले लो और मध्यप्रदेश निर्वाचन के आंकड़े ले लो, ये जो बड़ा परसेंटेज बढ़ा है, ये 100% बढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ये बहुत डाउन रहता था। कई राज्य सीखेंगे इससे, ऐसे उम्मीद करता हूँ कि, और इतनी बगैर कोई बड़ी घटना, बगैर कोई दूसरी बातें हुए, निर्वाचन का चौथा चरण समाप्त हो रहा। दोनों दल को लिए भी मैं बोलना चाहूँगा, सभी राजनीतिक दलों का आपस में कोई ऐसा भयंकर वाला कोई कंट्रोवर्सी जैसे बाकी राज्यों में ऐसा भी नहीं आया, और सरकार के साथ में भी किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं है, प्रेस वाले भी कमोबेश सब अच्छे ही रही है, ऐसा भी मान के चलो। हो सकते हैं वास्तव में ये बहनों का, और खासकर इस बार और ज़्यादा महत्व है क्योंकि लगातार जिस ढंग से कांग्रेस ने बहनों के लिए भी गलत मानसिकता रखी, उनकी इज्जत उतारने का काम किया, ये जवाब है उनका सकारात्मक दृष्टिकोण से। उनका काम वो करें, लेकिन हम अपना काम कैसे कर सकते हैं ये चुनाव बताएगा। कांग्रेस ने जो जो गलतियाँ की, लेकिन कांग्रेस की मानसिकता ये होती है, और कांग्रेस के लोगों को इस तरह की कल्पना भी नहीं कर सकते, वो केवल निर्वाचन की बात कर सकते हैं, लेकिन निर्वाचन के पीछे जो ताकत लगना चाहिए, जो भाव होना चाहिए, जो पवित्रता होना चाहिए, इसका सर्वथा अभाव रहता है। और मैं तो मान के चलता हूँ कि ये सीखने लायक है, आने वाले समय में हमारे अपनी अच्छी योजनाओं को लेकर के भी आपके इस रूम का लाभ ले सकते हैं, बहनों का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि सरकार के बहुत सारे अभियान चलते हैं, उस अभियानों में आधी आबादी बहनों की है, तो स्वाभाविक रूप से उनका सकारात्मक एक सीखने लायक एक टॉपिक मिल गया है कि हम अपनी व्यवस्थाओं को, यद्यपि आज मैं जिस पोलिंग पे गया था, अभी निर्वाचन ने भी चालू कर दिया कि वो 100% बहनों का पोलिंग था, सभी व्यवस्था संभाल रही थी, तो वास्तव में ये चीज़ों को संभालने का, और खासकर चुनाव की चलती व्यवस्था में मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये भाजपा ही है जिसने राज्य में 50% अपना सब अधिकार दिया है निर्वाचन स्थानीय निकाय में, और माननीय मोदी जी ने पहली बार 33% दिया है, आने वाले समय में 29 के लिए, तो आप सबकी इस नेतृत्व कुशलता और क्षमता से आने वाला भविष्य बहुत अच्छा रहेगा। और ट्राइबल के लोग बात करते हैं, हमने तो ट्राइबल में भी बहनों को झाबुआ धार जी बचा क्या, दोनों ही तो दीदी बहनों की सीटें, दोनों लोकसभा की सीट भी ट्राइबल में, ये भी बड़ी बात है एकदम से, लोग ट्राइबल में तो सोचते नहीं कि महिलाओं का कोई नेतृत्व तो बने, तो मेरी अपनी ओर से बधाई सबको। नज़र में हो तो नज़र आए, उनकी नज़र में क्या मालूम नहीं, अब उनकी आप उनकी किस नज़र से देख रहे हो। आधी आबादी को लेकर आप बड़ा प्रयास है, आपका बड़ा अच्छा प्रयास है, क्या ये माना जाए कि इस बार का वोट प्रतिशत खासकर आधी आबादी का बहुत बढ़ता हुआ नजर आएगा? दिख रहा है, लक्षण दिख रहा है, पूरे देश में सबसे ज्यादा मतदान अगर कहीं हो रहा है तो मध्य प्रदेश में रेशो बढ़ रहा है, और बहनों की जो लाइनें दिख रही है वो अपने आप में दिख रही, जितनी गालियाँ कांग्रेस ने दी है सारा हिसाब बहनें चुकता कर रही, उनकी बोली गई एक एक बातों का, ये सकारात्मक राजनीति का हिस्सा है जो अपने मतों से उनको परास्त करके उनका एहसास चुकता है। इंदौर बड़ा सकारात्मक कम है, इंदौर का वहां पे फीडबैक लिया। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी।